आदिवासी समाज के उत्थान को लेकर वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने पत्रकार वार्ता कर आदिवासी समाज का आगामी चुनाव में समाज की आवाज उठाकर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कही। वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने रविवार को एक पत्रकार वार्ता कर आदिवासी समाज के उत्थान को लेकर इसे आगे बढ़ाने की बात कही। नेताम कांग्रेस से 5 बार कांकेर के सांसद रहे और ये अविभाजित मध्य प्रदेश के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कृषि राज्य मंत्री रह चुके अरविंद नेताम के चलते बस्तर में कांग्रेस का जनाधार की अच्छी जमीन मिल गई थी। इसी कड़ी में आज 29 से 30 आदिवासी रिजर्व सीटों पर आदिवासी वोट का बड़ा हिस्सा है, जिसके चलते अरविंद नेताम ने पत्रकार वार्ता में आगामी विधानसभा चुनाव में लगभग 50 सीटों पर सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले अपना उम्मीदवार उतारने की बात कही। इसी कड़ी में अरविंद नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आदिवासी समाज ने एक संस्था बनाई है, जिसका उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और कानून का पालन ईमानदारी से होना बताया, जिसमें शासन की भी अहम जिम्मेदारी होती है। उन्होंने पैसा कानून की बात करते हुए कहा कि जल जंगल जमीन को लेकर के राज्य सरकार और पिछली सरकार उदासीन है, हमने कभी देखा नहीं। और ऐसा कानून जो 1996 में बना, जिस कानून के बारे में हम कह सकते हैं कि ऐसा कानून न पहले बना और भविष्य में इस देश में बनेगा, उस कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन इस प्रदेश में और बहुत से राज्यों में हो रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर इस विषय पर चिंता करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अनेक विषयों पर अपनी जानकारी भी दी। आपने कहा कि सर्व आदिवासी समाज चुनाव मैदानी में उतर रहा है, बिल्कुल सही है। और हम लोगों ने तय कर लिया है कि सारे रिजर्व सीट है 29 चीज जो भी हैं उसमें तो लड़ना ही है, और 20 करीब जनरल सीट है जहां आबादी आदिवासी समाज की 20 से 40% है, वहां भी अजमाएंगे। उसमें दूसरे अन्य समाज को भी हम अवसर देंगे, ऐसा नहीं कि केवल आदिवासी हो। तो एक संदेश देना चाहते हैं कि हम ये मिलजुल करके इस बहुत से जो हमारी मांगे हैं या संवैधानिक अधिकार है जिसका हनन हो रहा है राज्य में, कानून का उल्लंघन हो रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा है, हमारी वही है। नहीं तो समाज का काम नहीं है कि राजनीति में उतरे, पर ये तो सरकारें हमको मजबूर करे, चाहे वो पिछले बार बीजेपी की सरकार रही है उनके साथ भी हम लोग आंदोलन करते रहे, इस बार कांग्रेस उस समय कर रहे हैं। पर पिछले बार हमने बीजेपी के सरकार को आंदोलन के माध्यम से ही हमारा भी योगदान है उस सरकार को पलटने में, और इस बार भी हम इस सरकार के खिलाफ भी कहते कहते बहुत से मुद्दे में थक गए, तो हमको मजबूर होकर के ये करना पड़ गया और हम तैयारी के साथ होता है। पार्टियाँ क्या अभी प्रोसेस में है, वो तो निर्वाचन आयोग तय करेगी ना। देखो ये मुझे तो समझ नहीं आया, इतने साल जीवन में कट गया कांग्रेस में, और कांग्रेस के सिद्धांत को हम जानते हैं धर्मनिरपेक्ष को लेकर के, और ये आश्चर्य है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की जो पॉलिसी है उसमें शिफ्ट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी बदल गई है। अच्छा। और एक जगह तो कहा कि माननीय ये जो नंद कुमार साय के बारे में कांग्रेस में जब हुए तो मैंने कहा शायद उसी को इंचार्ज कर बनाएंगे, क्योंकि वो हिंदूवादी विचार के ट्राइबल नेता हैं, तो शायद हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं को जिम्मेदारी देती थी हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है आपको बढ़ाइए कांग्रेस में। देखिए समाज के लिए वे चिंता का विषय है, कोई नहीं चाहता कि कोई अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म जाए, मैं भी इस बात पे चिंतित हूँ, मुझे कोई खुशी होती नहीं। पर सवाल यह है कि एक तो समाज में जागरूकता है नहीं, समाज को भी कुछ प्रयास करना चाहिए, दूसरी बात सरकार को भी चूँकि 5वीं अनुसूची में है और सरकार भारत सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी संविधान में है, उनकी रक्षा के लिए नए सिरे से कानून में कुछ बदलाव लाना चाहिए। अभी जो कानून है बहुत लचर है, उसमें कोई रोकथाम नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसको कानून में भी ले करके राज्य सरकार अगर चाहती है तो ये समस्या का, मैं ये नहीं कहता मूलतः समाप्त हो सकता है पर रोका जा सकता है। कोशिश नहीं कर रहे, हमको फोर्स किया गया है।
सक्रिय होने के लिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कानून का अगर पालन हो तो क्या करें हम। ये तो पहली बार हम महसूस कर रहे हैं पिछले 10-15 साल में। हम बीजेपी के शासन में भी हमने आंदोलन किया, पहले तो नहीं होता था, कानून का पालन होता था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।